आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आईब्रोज थ्रेडिंग करने के लिए आपको किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको किस तरह थ्रेड को मूव करना है कि आपकी आईब्रोज परफेक्ट बने, और आपको धागा कौन सा वाला यूज करना है, आपके आईब्रोज की शेप को डिफाइन करने के लिए आपको थ्रेड को पकड़ना किस तरह है कि वो बार बार आपके मुंह से निकले ना, आपको धागे के बल कितने देने हैं और आपने बालों को किस तरह ग्रिप में लाना है। ये वो तमाम इंपॉर्टेंट बातें हैं जो एक ब्यूटिशियन को मालूम होनी चाहिए। तो ये सारा कुछ आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। यहाँ मेरी नई व्यूअर से गुजारिश है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मौसूल हो सके। आज की इस वीडियो में आपके साथ आईब्रोज थ्रेडिंग का बहुत ही आसान सा मेथड शेयर करूंगी, मतलब आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हो या फ्यूचर में वर्क करना है तो ये वो टिप्स है जिनके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। सो बिना आप लोग का कीमती वक्त जाया की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हीरा असलम परवेज और आप देख रहे हैं मेकअप ब्यूटी बॉक्स चैनल। सबसे पहले हम थ्रेड की बात कर लेते हैं। ये जो मैं आपको थ्रेड दिखा रही हूँ नॉर्मल सा थ्रेड है जिससे हम अपने कपड़े स्टिच करते हैं। ये एक मजबूत धागा है। इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत ही लोकल सी क्वालिटी के भी धागे मिल जाएंगे जो कच्चे से होते हैं, जो बार बार टूटते रहते हैं और आपको इरिटेट करते हैं। सो वो वाला थ्रेड आपने नहीं लेना। आप आईब्रोज थ्रेडिंग के लिए नॉर्मल स्टिचिंग वाले थ्रेड ले सकते हैं जो पक्के हो। इसके अलावा आपको ये वाला आईब्रोज थ्रेड मिल जाता है। बाकी क्वालिटी वाइज ये दोनों सेम है। बाकी आपने एक चीज मेक श्योर करनी है कि कपड़े स्टिचिंग वाला थ्रेड बहुत आसानी से ना टूटे। बाकी आप आईब्रोज थ्रेडिंग के लिए दोनों ही थ्रेड यूज कर सकते हैं, काम दोनों का ही सेम है। आज की वीडियो के लिए मैं आईब्रोज थ्रेड ही यूज करूंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ स्टिचिंग थ्रेड के साथ भी थ्रेडिंग करके दिखाऊंगी। यहाँ पर मैं बिगनर्स के लिए बहुत ही आसान तरीका बता रही हूँ जिनको दांतों में थ्रेड होल्ड करना मुश्किल लगता है। सबसे पहले तो आपने अपने थ्रेड की नोट बांध देनी है, यानी गांठ, बहुत से लोग गिठान कहते हैं। इसके बाद आपने ये जो सिरा है ऊपर और नीचे वाले दांतों के बीच में फंसा लेना है। इससे आपकी ग्रिप अच्छी हो जाएगी और बार बार थ्रेड आपके मुंह से नहीं निकलेगा। आप मेरे साथ करते रहेंगे तो आपको ज्यादा आसान लगेगा। बाकी ये जो रील की आपकी गिट्टी है आपने इसको लेफ्ट हैंड में होल्ड करना है और ये जो हमने नोट बांधी थी इसको हम अपने मुंह में ले लेंगे। इस नोट की वजह से हमारा ये थ्रेड कहीं नहीं जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि एल शेप में हमारा धागा आ गया है। अब राइट हैंड वाले थ्रेड को हम बल देंगे और बल आप 3 से 5 के दरमियान दे सकते हैं। इससे ज्यादा बल ना दीजिएगा, नहीं तो आपका धागा बार बार टूटेगा और आपको इरिटेट करेगा, और ना ही 3 से कम बल दीजिएगा। यहाँ पर समझ लीजिए कि हम धागा किस तरह चलाएंगे, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाती हूँ इसी वीडियो में। आपने धागे को मजबूती से पकड़ना है अपने मुंह से और दोनों हाथों से, यानी टाइट करके, क्योंकि अगर ये हल्का सा भी लूज हुआ तो आपके बाल नहीं निकलेंगे। राइट हैंड आपने सिर्फ इसका मुंह खोलने के लिए, यानी बल उस तरफ करने के लिए यूज करना है, और लेफ्ट हैंड का जो आपको थंब दिख रहा है इसको हम थ्रेड पर रखेंगे और प्रेस करेंगे बाल निकालने के लिए। जैसे ही आप अपना थंब प्रेस करेंगे तो आपके बल इस तरफ आ जाएंगे। जब आप इसको प्रेस करेंगे तभी आपके बाल निकलेंगे। सबसे पहले हम ऊपर के बाल निकालेंगे ताकि पहले ऊपर की प्रॉपर शेप आ जाए, और मैं अपने क्लाइंट के आर्च से स्टार्ट करते हुए अपने धागे को इनर साइड पर लेकर आऊंगी। इसी तरह आउटर कॉर्नर से लेकर आर्च तक इसी शेप में हम अपने धागे को रखेंगे। और इससे पहले अगर आपने कभी भी धागा नहीं चलाया तो आप पहले धागा चलाना सीख लें अच्छे से, उसके बाद ही आईब्रोज पर हाथ डालिएगा। आईब्रोज चलाने की प्रैक्टिस आप किसी के भी हाथ पर कर सकते हैं। अब हाथों के बाल निकालना स्टार्ट करें ताकि आपको मालूम हो सके कि बालों को निकालना किस तरह है, और उसके बाद फिर आपने एक्स्ट्रा बालों की प्रैक्टिस करनी है जिनके एक्स्ट्रा बाल होते हैं आईब्रोज के, फिर आप आईब्रोज बनाने के काबिल हो जाएंगे। ब्यूटिशियन का कोर्स करने वाली लड़कियों को सबसे ज्यादा मुश्किल आईब्रोज बनाना ही लगता है। जी ये थोड़ी मुश्किल तो है मगर नामुमकिन नहीं, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। अब हम नीचे वाली साइड से अपनी आईब्रोज को शेप देंगे। अच्छा, नीचे वाली आईब्रोज के लिए हमेशा जो है स्ट्रेच करना जरूरी है। स्ट्रेच करने के बाद आपकी स्किन टाइट हो जाती है और आपके कट्स नहीं लगते। और आईब्रोज की शेप देने के लिए आपने अंधाधुंध से धागा नहीं चलाना, पहले आपने जो बाल निकालने हैं उसको टारगेट करना है, उसके बाद ही धागा चलाना है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये बात आप नोट कर लीजिए। आप अपने क्लाइंट की अगर लेफ्ट वाली आईब्रोज बना रहे हैं तो आप अपने क्लाइंट के पीछे जाकर खड़े होकर आईब्रो बनाएंगे तो आप इजिली बना पाएंगे, लेकिन जब आप अपने क्लाइंट की राइट आईब्रोज बनाएंगे तब आपको मुश्किल पेश आएगी। आपने अपने क्लाइंट की राइट वाली आईब्रो बनाने के लिए अपने क्लाइंट के आगे खड़े होकर आईब्रोज बनानी होगी, फिर आपका हाथ सही चलेगा, क्योंकि क्लाइंट की राइट वाली आईब्रो की डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस पर हमारा धागा इजिली बैठ जाता है और हम इजिली बाल निकाल सकते हैं। और जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो लेफ्ट वाली आईब्रोज की डायरेक्शन दूसरी तरफ होती है जिस पर हमारा हाथ नहीं बैठ रहा होता। इसी वजह से लेफ्ट वाली आईब्रोज हम अपने क्लाइंट के सामने खड़े होकर बनाते हैं। इसी वजह से हमें बालों की डायरेक्शन सही मिलती है और बाल निकालना आसान हो जाता है। आप में से जिन लड़की ने प्रैक्टिस की होगी उनको इस बात का बखूबी अंदाजा होगा, लेकिन अगर जिन लड़कियों को नहीं मालूम वो लड़कियां इस बात को दिमाग में बिठाकर ताला मार दीजिए ताकि आपको फ्यूचर में परेशानी का सामना ना करना पड़े। अच्छा जी, सबकी आईब्रोज की शेप चेंज होती है और हमारे पास जब भी क्लाइंट आते हैं तो ज्यादातर आर्ट शेप की डिमांड करते हैं। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा आर्ट शेप पसंद की जाती है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस बाल को मैं टारगेट कर रही हूँ सिर्फ उसी को निकाल रही हूँ। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने टारगेट किसी और बाल को बनाया और उतार कोई और सा बाल रहे हैं, क्योंकि आईब्रोज है आपके हाथ नहीं कि आप कहीं पे निशाना लगाओ और काम चल जाएगा। आपका धागा जरा भी ऊपर नीचे हुआ या एक्स्ट्रा बाल निकल गया कोई तो आपकी पूरी शेप खराब हो जाएगी और आपका क्लाइंट आपको पकड़ के मारेगा, क्योंकि आईब्रोज वाइड ऐसी चीज है जिस पर कोई भी कम्प्रोमाइज करने के लिए राजी नहीं होता। अगर तो आप बिगिनर्स है तो आपको खूब प्रैक्टिस की जरूरत है, क्योंकि आपके पास डिफरेंट शेप्स की आईब्रोज आती है। एक आईब्रो ऐसी होती है जिसकी नेचुरली शेप अच्छी होती है, उस पर ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं होती, जस्ट आपने उसको नीट किया
दैट्स इट। लेकिन कुछ आईब्रोज ऐसी होती है जो बिल्कुल जंगल की तरह फैली हुई होती है, वो आईब्रोज काफी हैवी होती है, उसकी प्रॉपर से शेप आपको खुद से देनी होती है, उन आईब्रोज को बनाना थोड़ा मुश्किल है। अच्छा जी, ये वो तरीके हैं जिनको आप फॉलो करोगे तो आप बहुत आसान तरीके से घर बैठे ही आईब्रो थ्रेडिंग करना सीख जाओगे, क्योंकि ब्यूटीशियन फील्ड में सबसे ज्यादा ट्रिकी काम जो है वो आईब्रोज बनाना ही है, और इस फील्ड की सबसे ज्यादा डिमांडेड सर्विस भी यही है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझे आपको सब कुछ आ गया, और अगर इसके अलावा कोई पॉइंट मुझसे रह गया तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसके अलावा आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मेकअप कोर्स मिल जाएगा जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, और वीडियो को शेयर जरूर करें अपने सोशल मीडिया पर, स्टेटस पर, अपने फ्रेंड्स और कुलीग्स के साथ भी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग फायदा हासिल कर सके। और आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ उम्मीद। अल्लाह हाफिज।